दोस्तों, मैं अभी अभी थिएटर से एक फिल्म देखकर बाहर निकली हूँ। वैसे तो इस मूवी को रिलीज हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन जितना रश इस मूवी के फर्स्ट डे पर मैंने देखा था, उतना ही रश मैंने आज भी थिएटर्स में देखा। सो हेलो इंदौर, दिस इज कावेरी फ्रॉम इंदौर टॉक एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा टॉक पावर्ड बाय पीवीआर सिनेमास। एंड यस, यू आर गेसिंग इट राइट, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सूर्यवंशी की, एक टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्म। यानी कि ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट बजट, हेलीकॉप्टर्स और फ्लाइंग कार्स के लिए। वैसे तो इस मूवी में ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, लेकिन क्या ये मूवी असल मायनों में पैसा वसूल है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं हमारी ऑडियंस के पास, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस मूवी में क्या क्या अच्छा लगा। Expectations has been fulfilled. The thing is, the film is packed with patriotism and everything. So expectations has been fulfilled and it's a bang on movie. बहुत ही अच्छी मूवी लगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन के बाद ऐसी भी मूवी आएगी। मुझे तो मतलब इसमें कंटेंट भी था, ऐसा नहीं कि बिना कंटेंट के मूवी बना दी, बस एक्शन ही एक्शन भर दिया, वैसा नहीं। आई केम टू थिएटर, आई मीन आई थिंक आफ्टर कोविड दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई केम टू थिएटर एंड वॉच द मूवी, सो आई लाइक दैट एक्सपीरियंस वॉचिंग समथिंग ऑन बिग स्क्रीन। Four, I will deduct one because Katrina Kaif ka jo appearance tha bahut hi kam hai. She is just a showpiece in the movie, so it should be a little bit elaborative. Give 4.5. I would give 3 stars. So PVR ke saath experience agar main puchun to kaisa raha? Always, always on the top. I always prefer PVR for the movies because of the sound experience. So that's always my first choice. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो ये थी हमारी ऑडियंस के रिव्यूज़, और इन रिव्यूज़ को सुनने के बाद हम इस मूवी को रेट करेंगे 4 stars out of 5। अब अगर आप एक्शन या एडवेंचर पसंद करते हैं तो सूर्यवंशी आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। अब अक्षय कुमार या रोहित शेट्टी का जो फैन बेस है वो तो इस मूवी को देखने ज़रूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे सिनेमा टॉक पावर्ड बाय पीवीआर सिनेमास।